हेलो फ्रेंड, यह एक हाफ स्वेटर है, मीडियम साइज के आदमी का हाफ स्वेटर है। इसमें यह बूटी वाला डिजाइन दिया हुआ है। आपको हो सकता है यह डिजाइन पसंद आए, इसलिए मैं यह डिजाइन बनाकर बता रही हूँ। और आप लोग बार बार कमेंट करते हैं कि स्वेटर कैसे बुना जाएगा सो बताने के लिए, तो आज मैं आपको यह भी बता रही हूँ कि यह मीडियम साइज के आदमी का स्वेटर है। इसलिए हम इसमें 100 फंदा दिए हैं बॉर्डर में, और इस 100 फंदा को हम जब बॉर्डर बन जाता है, इसके बाद चूंकि यह सिकुड़ने वाला डिजाइन है, इसलिए हम इसमें 5 फंदा बढ़ा देंगे। 5 फंदा बढ़ा देंगे, 4 फंदा का यह डिजाइन है, और 4 ही सिलाई में यह डिजाइन समाप्त भी हो जाएगा। इसके बाद शरीर के लंबाई के अनुसार हम इसकी लंबाई बनाएंगे, और यहाँ आकर जब हम इसका बाजू घटाना होगा, तो बाजू घटाने से लगभग 7-8 काटा पहले ही हम इसके गला को घटाना शुरू करेंगे। गला के लिए बीच वाला एक घर हम किसी पिन पर चढ़ा देंगे। इसके बाद इस गला को घटाएंगे, यहाँ पर कम से कम उस कंधा पर, इसके कंधा पर कम से कम 28 घर जरूर आना चाहिए, 28-28 घर आना चाहिए, और बीच में कम से कम 30-35 घर आना चाहिए। इसी हिसाब से हम इसके बाह को घटा देंगे, और इसके बाद हम गला बनाएंगे। गला में 80 या 85 घर एक एक और लेंगे, पीछे हम 30-35 घर लेंगे। 30-35 घर तो पीछे मेरा है ही, वो ले लेंगे। इधर हम 80 या 85 घर एक और कर लेंगे, और इसके बाद गला को, गला का बॉर्डर बुनेंगे। यहाँ पर 3-3 घर एक बार में, 3-3 घर एक बार में दोनों ओर से घटाते जाएंगे। इधर से भी घटाएंगे और उधर से भी घटाएंगे। इस तरह से हम जब 9-10 सिलाई बुन लेते हैं, इसके बाद एक घर सीधा बुनेंगे, उल्टा उतारेंगे, और सुई के सहारे से मैंने इसको बंद किया है, इसलिए इसका शेप ज़्यादा अच्छा आया है। ऐसा करके इसको बना देंगे। इसी तरह से हम बाँह भी बनाएंगे। अब मैं आपको इसका, इस डिजाइन को बनाकर बता दूं। इस डिजाइन को बनाने के लिए यह 4 ही फंदे का डिजाइन है, और 4 ही सिलाई में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हम इसको फिर भी बनाने के लिए 20 फंदा इस पर डाल लिए हैं। यहाँ पर सीधा रहे इसलिए 2 काटा में हम बॉर्डर बना दिए हैं, और थोड़ा सा डिजाइन हम इस पर बना चुके हैं, आपको दिखाई देता होगा, और फिर हम आपको यहाँ पर बनाकर बतला देते हैं। इसमें है 2 फंदा सीधा, हम तो यहाँ पर सीधा बुन चुके हैं, तो यहाँ पर हमको क्रॉस करना है इसको। बीच वाले घर को पहले बुन लेना है और इसको बाद में बुनना है। फिर इस घर को पहले बुन लेना है, सीधा वाले घर को, बीच में 2 घर जो उल्टा था उसको बाद में बुनना है। यहाँ पर फंदा को क्रॉस कर देना है। 2 घर सीधा, 2 फंदा सीधा था, 2 फंदा उल्टा था, तो हम इस उल्टा वाले फंदे को अब बीच में ला रहे हैं, और सीधा वाले फंदे को दोनों ओर जाने दे रहे हैं। दो फंदा सीधा जो है उसको हम क्रॉस कर रहे हैं, 2 फंदा जो उल्टा है उसको हम बीच में जाने दे रहे हैं, और सीधा फंदा को बगल बगल चला गया। देख रहे हैं इसको, बहुत ही सुंदर डिजाइन है। इधर से इसमें
सब सिलाई में पूरा उल्टा, पूरा फंदा उल्टा ही है। दूसरी सिलाई जो है वह पूरा फंदा उल्टा, इसमें कुछ भी नहीं करना है, पूरा फंदा को उल्टा बुन लेना है। यह जेंट्स का हाफ स्वेटर है। फुल स्वेटर में भी इस डिजाइन को आप दे सकते हैं। इसको हम पूरा काटा उल्टा बुन लिए। अब जो ये दोनों घर इधर आया है, दोनों घर क्रॉस होकर आया है, उस इधर बगल वाले घर को हम इस दो घर को उल्टा बुन लेंगे, और क्रॉस होके जो बीच में आया है उनको पीछे करके उस दोनों फंदा के बीच से, फंदा में नहीं, फंदा के बीच से काटा को घुसाएंगे और पीछे से एक नया फंदा निकालेंगे, और इस फंदा को इस काटे पर एक फंदा के साथ बुन लेंगे, बढ़े हुए फंदे को। फिर एक फंदा का एक फंदा ही रह गया, दूसरे फंदे को सीधा बुन लेंगे। फिर दो फंदा हम उल्टा बुनेंगे। इसके बाद फिर ये जो दोनों घर आया है उसके बीच वाले में ऐसे घुसाएंगे, ऐसे निकाल कर इसके साथ एक फंदा को लेते हुए बुन लेंगे और एक फंदा सीधा बुन लेंगे। फिर दो फंदा हम उल्टा बुनेंगे और इस दोनों के बीच से ऐसे घुसाते हुए घर को निकालेंगे, तो इस बढ़े हुए घर को इस फंदा में मिलाकर बुन लेंगे। फिर हम दो फंदा उल्टा बुनेंगे और फिर वही क्रम से दोहराते चले जाएंगे। पीछे वाला फंदा, पीछे वाली सिलाई पूरी उल्टी। पीछे वाली सिलाई जो है वह पूरी उल्टी है। बस इसी चार सिलाई में, इसी चार सिलाई में यह डिजाइन पूरा हो जाता है। आपको मैं फिर एक सिलाई और बुनकर बतला देती हूँ। इस सिलाई में सिर्फ क्रॉस करना है। इस जिस दो घर को हम बांधे हैं, जो दोनों घर बंध गया है, एक अतिरिक्त घर आने की गीच बगल से फंदा उठा करके जो दो घर बंध गया है, उसी घर को हम क्रॉस कर देंगे। बीच वाला जो दो उल्टा है उसमें से एक इधर चला जाएगा और एक उधर चला जाएगा। इसी दोनों घर को हम क्रॉस करके और उल्टा वाले दोनों घर को बीच में ले आएंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी हम इसको क्रॉस करते हैं। इस कांटे में सिर्फ सभी घरों को क्रॉस ही करना है। बीच वाले दो घर को उसके अंदर जाने देना है और उस
उस सीधा वाले दोनों घर को दोनों ओर जाने देना है। पूरी सलाई में हम घर को क्रॉस ही करेंगे। बहुत छोटा छोटा बुट्टी वाला डिजाइन है यह। देख रहे हैं अब सब क्रॉस हो गया। उधर से तो पूरी सलाई हमेशा उल्टा ही बुनना है, हमेशा उल्टी पूरा सलाई उल्टा ही जाएगा उधर वाला। पूरी सलाई उल्टी बुन रहे हैं। अब आपको यह जरूर ही समझ में आ गया होगा। अब यह डिजाइन पूरा हो गया, डिजाइन पूरा हो गया, यह आपके समझ में जरूर आ गया होगा कैसे बना। इसी तरह से इस डिजाइन को हम बनाते हैं। आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य ही लाइक और कमेंट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो आपके लिए हम अच्छे अच्छे डिजाइन लेकर आते रहें।